हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने घर से या घर के आसपास से राखी बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको इसी तरह के बिजनेसेस के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। और दोस्तों, साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, राखी बनाना सबसे कम लागत के व्यवसायों में से एक है। यह ग्रामीण और शहरी भारत में महिलाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। राखी एक रेशम का धागा होता है, साधारण या डिजाइनर धागा हो सकता है। भारत में हम सभी भाइयों और बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता है और उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रक्षाबंधन को मनाया जाता है। गृहणियाँ माताएं कोई भी इस व्यवसाय को छोटी पूंजी निवेश के साथ, बहुत कम पूंजी के साथ 5-10 हज़ार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, राखी मौसमी वस्तु है, आप राखी के साथ गहने और बैंड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, राखी में वैट से छूट दी गई है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं होता है, ये वैट फ्री है, यानी कि इसमें कोई टैक्स नहीं है। तो दोस्तों, राखी बनाने के लिए आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। कुछ उपकरण जैसे सिल्क थ्रेड, चूड़ी, रिबन, टूथब्रश, गोंद, धागा, मोती, चाकू, कैंची, जनरल क्राफ्ट आइटम आपको इसमें खरीदनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, राखी को बेचने के लिए स्थानीय खुदरा विक्रेताओं और उभार की दुकानों से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके थ्रू इसको बेच सकते हैं। राखी एक मौसमी वस्तु है, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर भी इसको बेच सकते हैं, इसको शिल्प मेलों में बेच सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसको थोड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो आपको उद्योगधार में रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके लिए उद्योगधार.gov.in की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए GST लेना पड़ेगा, जो reg.gst.gov.in की वेबसाइट पे विजिट करके आप ऑनलाइन इसमें GST ले सकते हैं या किसी CA की हेल्प से भी इसमें GST ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसी खास वैसे NOC की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर शहर में होते हैं तो शॉप एक्ट लाइसेंस, रूरल एरिया में पंचायत से NOC, पर इसमें किसी प्रकार के आप NOC शुरू में मत लीजिए, किसी प्रकार की NOC की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको छोटे लेवल से घर से स्टार्ट किया जा सकता है, बड़े लेवल पे इन NOCs की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इन सभी वेबसाइट्स के एड्रेस आपको स्टेशन वाली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसमें किसी ब्रांड का भी महत्व नहीं होता है दोस्तों खास। तो दोस्तों, इसमें अब है व्यवसाय में निवेश, वैसे इसको आप अपने घरेलू पूंजी से, अपनी जमा पूंजी यानी कि 5-10-15 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो आपको कारोबार को शुरू करने में दो तरह की फंडिंग की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि फिक्स कैपिटल, जो आपको कुछ टूल्स वगैरह अगर खरीदनी है, और आप इसमें कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप MSME स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं या खादी ग्राम उद्योग से सब्सिडी वाला लोन भी ले सकते हैं। इसके लिए MSME.gov.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, KVIC.org.in की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप खादी ग्राम उद्योग की वेबसाइट इसके लिए चेक कर सकते हैं। सभी वेबसाइट्स के एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये दोस्तों तभी है अगर आप इसको थोड़े ज़्यादा लार्ज स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, तब आपको इस प्रकार के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। छोटे लेवल पे आप अपनी पूंजी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के कंपटीशन के अनुसार आप अपना रेट रख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को स्थानीय बाज़ारों में बेच सकते हैं और धीरे धीरे दूसरे बाज़ारों में भी बेच सकते हैं अपनी स्टेट के बाहर। तो दोस्तों, आप इसमें 20-50% तक मार्जिन कमा सकते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग पे, आपने रॉ मटेरियल किस हिसाब से ख़रीदा है और आपकी जो लेबर कॉस्ट क्या है और आपके एरिया में क्या कंपटीशन है। तो दोस्तों, आप इसमें 20-50% तक मार्जिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सेल वाला व्यवसाय है और इसकी सेल बहुत होती है, और सीज़न से पहले भी कई लोग इसका स्टॉक बनाना पूरे साल ही तैयार करके रखते हैं और पूरे साल इसका स्टॉक बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस बिजनेस व्यवसाय को कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र में और भी आइटम्स जो राखी से लिंक होती हैं, जैसे गिफ्ट आइटम्स या और भी कुछ आइटम्स होती हैं, ऐसी जनरल क्राफ्ट आइटम्स, वो बाद में इसमें अपने प्रोडक्ट रेंज में ला सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, मिलेंगे एक नया आइडिया के साथ अगली बार।